बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी गॉड्स की रेसिपी है, बकरे का सिरा। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सिराज अमी रेसिपी चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पर बकरे की सिरी यानी कि बकरे की मुंडी लिया है, इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हमने हाफ बॉल कुकर में ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है, 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 बड़ी इलायची, 2 अनियन लिया है हमने, उसे स्लाइस में कट करके ले लिया है। अब इसे हमने लाइट ब्राउन फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है। देखिए इस तरीके से लाइट ब्राउन फ्राई होना चाहिए। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, इसे अच्छी तरह भून कर लेना है। और इसके बाद हमने बकरे की सिरी को ऐड करना है और इसे भी अच्छी तरह भून कर लेना है। हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून कर लेना है। और इसके बाद हमने स्लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुकर को बंद करके पकाना है। 1/4 ड्राई कोकोनट लेंगे, 4 ग्रीन चिल्ली और हरा धनिया लेकर 1 टेबल स्पून सोप लेंगे और इसको हमने बारीक कर लेना है, बारीक सा पीस लेना है। उसके बाद 1/4 कप वाटर ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट एकदम बारीक होना चाहिए, थोड़ा भी मोटा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। आफ्टर 50 मिनट पर हमारी बकरे की सिरी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया और इसे मिक्स कर लेना है। कोकोनट पेस्ट हमने जो बनाया था उसे ऐड करना है और उसे भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून कर लेना है। हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने 2 ग्लास वाटर ऐड किया है। ये एक शोरबा टाइप बनना चाहिए यानी कि सूप जैसा, इसका टेस्ट सूप जैसा ही लगता है। देखिए इस तरीके से शोरबा टाइप रहना चाहिए। अब हमने 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर ढक कर पकाना है। देखिए हमारा गॉड्स की सूप या शोरबा जो भी आप कहिए रेडी है। चलिए इसके साथ इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।